हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपीएस सरखी दादरी। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन कितने हैं। उन चीज़ों को हम ब्रीफली इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फोर्स क्या है? टू पुश एंड पुल, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, पुश या पुल करना उसके ऊपर। व्हेन वी अप्लाइड एंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट डिस्प्लेस इट्स पोजिशन, यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट पुश या पुल करने के बाद अपनी पोजिशन चेंज कर देती है तो हम उसे बोलेंगे वर्क डन। और सिंपली अगर बात करूँ फोर्स की डेफिनेशन की, तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, यानी कि धक्का देना या खींचना अपनी तरफ, वो क्या कहलाएगा? हमारा फोर्स कहलाएगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन की, कि मोशन क्या है। मोशन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मोशन होता है हमारा चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन पोजीशन। जब एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाती है डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करते हुए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। अब मोशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि मोशन के लॉज कितने हैं। तो सबसे पहला मोशन का लॉ है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सारे लॉज जो है मोशन के न्यूटन ने दिए थे, तीन लॉज हमारे थे, जिसमें सबसे पहला था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन इनर्शिया। तो हम जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। सबसे पहले हम इनर्शिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनर्शिया क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू बी रेस्ट एंड कीप्स टू बी ट्राइंग मोशन, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी और वो मोशन में रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में, और रेस्ट में है तो रेस्ट में, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। मोशन में है तो मोशन में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले, अगर किसी बस के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं और सडनली ड्राइवर अगर ब्रेक्स अप्लाई कर देता है, जब बस मूविंग पोजीशन में थी, बस मूव कर रही थी, तो सभी पैसेंजर जो उसके अंदर बैठे हुए थे उनके पास सेम स्पीड थी जो बस के पास थी। जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो वो इंस्टेंटली, यानी कि मान लो बस की जो स्पीड थी वो हमारी थी 80 किलोमीटर पर आवर, और ब्रेक्स अप्लाई करते हैं वो जीरो की स्पीड पे आ जाती है, यानी कि रेस्ट पे आ जाती है। तो जितने भी पैसेंजर वहाँ बैठे हुए थे एकदम मोशन से रेस्ट में आ जाते हैं और वो उस फोर्स को एक्वायर नहीं कर पाते। तो हमने देखा भी होगा या खुद भी फील किया होगा कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो हम आगे की डायरेक्शन में क्या होते हैं, गिरने को हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, जैसे जो पत्ते हैं द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम द ट्रीज इफ विग्रेसली वी शेक्स इट्स ब्रांच, यानी कि अगर पत्ते की, पेड़ की ब्रांचेस को हम हिला देते हैं तो अचानक से वो जितने भी पत्ते उसके साथ अटैच थे वो सभी क्या हो जाते हैं, वहां से गिर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, इनर्शिया का। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या एक्सप्लेन करता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करेगा। और लीनियर मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है? लीनियर मोमेंटम इज एक्सप्लेन बाय, या फिर सिंपली रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है पी, और पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम वी। तो लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट है किसका, मास एंड इट्स वेलोसिटी, और डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन साथ साथ लीनियर मोमेंटम इसके टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टाइम कितना लिया इसको ट्रेवल करने में, या फिर किसी चीज को मूव करने में कितना टाइम लगा, वो भी हमारा किससे रिलेट रहेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट रहेगा, जो कि क्या है हमारा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लीनियर मोमेंटम। और अब हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या एक्सप्लेन करता है। बहुत ही सिंपल है, दोनों लॉ से सबसे इजी जो है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है, वो एक्सप्लेन करता है हमारा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। नॉर्मली छोटे से वर्ड्स में मैं इसको बताऊंगा, डेफिनेशन आप लोग बुक से या नोटबुक से देख लेंगे, मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी कि जितना हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन दिखाएंगे वो उतना ही इक्वल क्या दिखाएगी, हमें रिएक्शन शो करेगी। मान लो मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ नाव का, बोट का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, तो इसके अंदर मूवमेंट कैसे होती है, तुम सभी ने देखा होगा कि जितना पानी डिस्प्लेस किया जाएगा, जितना हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं उतनी नाव क्या करती है, आगे की तरफ मूवमेंट करती है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, फ्लोर पे जब कोई बॉडी मूव करती है, चलती है, तो इसका मतलब वो कैसे चलेगी, जितना हम फ्लोर को पीछे की तरफ करेंगे उतना ज्यादा क्या करेंगे, हम आगे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और इसको मैंने एक फॉर्मूले से एक रिप्रेजेंट किया है, वो क्या है हमारा एफ ए बी, यानी कि फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ टू एफ बी टू ए, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है विद नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि जितना फोर्स लगा है वो हमारा किसके बराबर हो गया, एक्शन और रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हमारी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो फोर्सेस हैं दो टाइप के, एक हमारा बैलेंस फोर्स और दूसरा हमारा अनबैलेंस फोर्स।
बैलेंस फोर्स के अंदर क्या होगा, मान लीजिए दो कॉर्नर्स पे हमने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, जब इन दोनों को हम अप्लाई करते हैं तो अगर इन फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, सबसे खास बात यह है कि जब हम बैलेंस फोर्स का यूज करेंगे तो इनकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दोनों अमाउंट में इक्वल रहेंगे और क्या रखेंगे उसको, बैलेंस रखेंगे। दूसरा हमारे पास अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस के अंदर क्या देखते हैं, एक कॉर्नर पे हमारा फोर्स था 5 न्यूटन और दूसरे कॉर्नर पे हमारा फोर्स था 6 न्यूटन। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो क्या करते हैं इसको, तो जो अपोजिट सॉरी जो डिफरेंट फोर्सेस हैं उनकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं उनका अमाउंट अलग अलग रह गया, जिसका वेट ज्यादा जिसका फोर्स ज्यादा रहेगा वो क्या करेगा, उसको उसकी पोजीशन को चेंज कराने में यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब इसके बाद फोर्सेस का डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट और मास में डिफरेंस क्या है, जनरल सा टॉपिक है, सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई ये सोचेगा कि वेट की यूनिट केजी होती है, मास की यूनिट केजी होती है, बट यहाँ माइनर सा डिफरेंस है वो हम यहाँ चेक करते हैं। वेट क्या है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ मास इज केजी, ये चीज सभी को याद रखनी है। रीजन क्या है कि मास जो है हमेशा केजी में यानी कि किलोग्राम से मेजर किया जाएगा और वेट हमारा न्यूटन में मेजर किया जाता है। वेट के ऊपर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि जब तक ग्रेविटी काम करेगी यानी कि अर्थ के सरफेस पे जहां ग्रेविटी रहेगी वहां हम वेट को मेजर करेंगे, और मास जो है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट क्या ग्रेविटी का नहीं होता। और तीसरा पॉइंट ये है कि वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो भी हो सकता है लेकिन मास कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि मास जीरो नहीं होगा, मास डिपेंड करता है उसके पूरी बॉडी इन्फ्लुएंस के ऊपर, जितना वो हमारे को फोर्स एज ए फोर्स के रूप में शो करेगा, और इसकी यूनिट क्या रहेगी हमारी, केजी रहेगी, किलोग्राम रहेगी। तो ये इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। आज की वीडियो में हमने फोर्सेस के बारे में, इनर्शिया के बारे में, न्यूटन्स के लॉज के बारे में और वेट एंड मास के डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का जो चैप्टर है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।